मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते, इसका मकसद स्पष्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इस केस से जुड़े हुए हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे केस के अलावा ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केसेस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। मथुरा जन्मभूमि विवाद क्या है, ये विवाद कितने सालों पुराना है, आइए आपको बताते हैं। साल 2020 हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मस्जिद परिसर में एक कमल के आकृति का खंभा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही याचिका में ये बताया गया कि खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इंग्रेविंग भी दिख रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में मथुरा विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटा देना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी है और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनर्निरीक्षक याचिका दायर की। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ साल 2020 से नहीं बल्कि इसके जड़ें सालों पुरानी हैं। वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का ये दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वही कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अदालत ने इस समझौते को अवैध बताया था। हिंदू समाज में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी है। ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले के मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। ये बयान आया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए और मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए। उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे हटा दिया जाए। कैसे शुरू हुआ विवाद? इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के जमीनी विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया गया था, लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ इसे लेकर भी विवाद था। हिंदू पक्ष का यह दावा था कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे भी हो चुके हैं। याचिका में क्या कहा गया था? सिविल कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष का कहना था कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां भारत और विदेशों से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर की समय समय पर निर्माण और मरम्मत कराई थी। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया था, उसे ठीक करवाया और इस पर 33 लाख रुपए भी खर्च किए थे। कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश दिए थे। इसमें कटरा केशव देव मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया था। इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। इसके बाद मराठाओं ने 1770 से मुगल शासकों से गोवर्धन में युद्ध जीतकर यहां फिर से मंदिर बनाया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मथुरा का ये इलाका उनके तहत आ गया, जिसने इसे नजूल भूमि घोषित कर दिया। नजूल भूमि वो भूमि होती है जिस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता, ऐसी जमीन जो सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तेमाल करती है।
समय आता है 1815 का। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया जाता है। तब राजा पटनीमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया। इसके बाद यह जमीन राजा पटनीमल के वंशज राजा नरसिंह दास के पास चली जाती है। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पटनीमल के मालिकाना हक को लेकर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वंशजों राय किशन दास और राय आनंद दास ने 13.37 एकड़ की ये जमीन मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिखेन लाल जी आत्रे के नाम कर दी, जिसके लिए जुगल किशोर बिड़ला ने 13,400 रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद बिक्री पर सवाल उठाए थे, इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश ही मान्य रहा। इसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। उन्होंने 13.37 एकड़ की यह जमीन को भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दिया, लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गया। इसके बाद 1 मई 1958 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बनाई गई। बाद में इसका नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया। याचिका में ये कहा गया कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी, उसके बाद ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस समय श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद था। बाद में 1968 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया गया, तो वही कुछ हिस्से में वहां बसे खूसी मुसलमान आदि को हटा दिया गया और वो हिस्सा मंदिर के पक्ष में आया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई अधिकार नहीं था और ये समझौता ही अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्ष नहीं बनाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें शब्दसाची के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।